केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। फटाफट में अब चलते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। झारखंड के नए राज्यपाल श्री रमेश बैस ने राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में बढ़ रहा ब्लैक फंगस का असर, रांची में 3 लोगों की मौत। राजधानी रांची में जमीन कारोबारी को घेर कर गोलियों से भूना, दिन दहाड़े सरेराम, वारदात में सनसनी। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों ने मंत्रियों के आवास का किया घेराव। रांची के विराज ने रिवर्स ऑर्डर में 80 तक का पहाड़ा सुनाकर बनाया रिकॉर्ड। अगस्त क्रांति की तैयारी, 8 अगस्त को बेरोजगार युवा छेड़ेंगे आंदोलन। हेमंत सोरेन, कुर्सी छोड़ो का नारा करेंगे बुलंद। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने करमटोली में केंद्रीय धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय धूमकुड़िया भवन जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान का केंद्र एवं राज्य की पहचान बनेगा। अब खबर जामताड़ा से। सब्बीर आलम अंसारी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, अल्पसंख्यक के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जामताड़ा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष निमाई दास की मां का निधन का समाचार सुन मिलने पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता सह जमीयत उलामा जामताड़ा के महासचिव मुफ्ती सिद्दीक महाहिरी मजाहिरी ने झारखंड सरकार के युवा अल्पसंख्यक कल्याण विकास खेलकूद कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन से मिलकर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जैसे रोजगार, अन्य राज्यों में पलायन की रोकथाम, मदरसों में छात्रावास एवं मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति, उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, युवा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने हेतु कई अहम मुद्दे पर मंत्री का ध्यान केंद्रित किया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।